बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में आपको विज़िट करवाऊंगा 10 मरला का इस ब्रांड न्यू डबल यूनिट लग्जरी डिज़ाइनर हाउस का, जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। घर की सबसे पहले अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो घर की जो लोकेशन है वो है बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी। और वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग सर्च किए बगैर। तो विजिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसका ज़बरदस्त जो इंटीरियर है, जो इसका एलिवेशन है, जो इसके एलिवेशन पे डिज़ाइनिंग की गई है, उसको देख लिया होगा। एलिवेशन काफ़ी आउट क्लास किस्म का इसका डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले 3 से 4 डिफरेंट कलर्स में इस पे रॉक वॉल किया गया है, उसके अलावा वुडन वर्क भी किया गया, उसके अलावा ग्रिल्स। और सामने इसका आप ग्रीन एरिया देख सकते हैं घर के बाहर, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मेंटेन किया गया है। और जो इसका मेन डोर है घर का, वो भी एलिवेशन के साथ काफ़ी खूबसूरत मैचिंग में है। तो एक दफ़ा फिर से आप इसका एलिवेशन चेक कर लें और वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। व्यूअर्स, घर की जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी आउट क्लास है और इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की डिमांड और तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग सर्च किए बगैर। तो अगेन एलिवेशन आप चेक कर लें। उसके बाद आप बात करते हैं इसके पार्किंग रैंप की। तो आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया है यहाँ पे और बीच में मार्बल है डिज़ाइनिंग वाला। राइट साइड पे इसका ग्रीन एरिया है, क्यारी लॉन जो भी आप कह सकते हैं वो अवेलेबल है। बिजली का यहाँ घर में 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा इस एरिया में लोकेलिटी में गैस अवेलेबल है, घर की डॉक्यूमेंटेशन ऑनर की तरफ से अप्लाइड है। तो एक दफ़ा फिर से इसका मेन गेट आप चेक कर लें, जो कि राइट साइड पर प्रॉपर स्लाइडेबल है, लेफ़्ट साइड से अंदर की तरफ क्लोजेबल है। एंटर होते हैं घर के अंदर इसके पोर्च के एरिया में। तो सबसे पहले आप पोर्च के अंदर आते हैं तो आप एक स्पेस चेक कर सकते हैं। कार पार्किंग स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, आप 3 गाड़ियाँ इजीली एट अ टाइम आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर सीलिंग वर्क चेक करें, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। और जो लेफ़्ट और राइट साइड की वॉल्स हैं, इन पर यहाँ पर रॉक वॉल किया गया है। फ्लोरिंग पे टाइल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैट फिनिशिंग में डल टाइल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे राइट साइड पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, पानी की मोटर भी फिक्स्ड है जो कि वाटर को छत वाले टैंक में अपलिफ्ट करेगी। अब आप एक और एंगल से इसकी स्पेस चेक कर लें। और 10 मरला घर में आपको आइडिया होगा राइट या लेफ़्ट साइड पर स्ट्रीट छोड़नी पड़ती है और बैक साइड पर जो है वो लॉन्ड्री होती है। यहाँ पर घर में हमारे पास लेफ़्ट साइड पर साइड स्ट्रीट है, किचन की एक्सेस भी है और रूम्स की वेंटिलेशन विंडोज़ हैं। तो अब बात कर लेते हैं मेन एक्सेस की। तो राइट साइड पे जो आपको डोर नज़र आ रहा है वो हमारे पास ड्राइंग रूम की एक्सेस के लिए है। जो मिड में हमारे पास डबल डोर है काफ़ी अच्छी वुड का, वो हमारे पास मेन लॉबी के लिए है। तो 2 स्टेप्स हैं हमारे पास, देन हमारे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी का काफ़ी हाइटेड डोर है। तो अब चलते हैं घर के अंदर इसके मेन एक्सेस से। तो व्यूअर्स, घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड पर टर्न करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की बिल्कुल एक सेपरेट यहाँ से एक्सेस अवेलेबल है और यहाँ पे ही हमारे पास पाउडर रूम ग्राउंड पोर्शन का अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास एंट्रेंस लॉबी में एक यहाँ पे शैंडलर ड्रॉप किया गया है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का, और वॉल्स पे जो पेंट है वो डिफरेंट यूज़ किए गए हैं। तो बिल्कुल सामने राइट साइड पर जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है वो ग्राउंड पोर्शन का जो मेन स्विच बोर्ड है उसको कवर किया गया है। यहाँ पर हमारे पास विंडो दी गई है और यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है इसका मेन लिविंग एरिया। सबसे पहले मैप आपको समझा दूँ, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इसका क्लोज किचन है, 2 मास्टर बेडरूम्स हैं वॉशरूम्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे इसकी प्रॉपर फीचर्ड वॉल है। मिड में यहाँ पे भी आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया गया है, ट्रेवल टाइम मार्बल का यूज़ किया गया है। और बिल्कुल सामने हमारे पास ड्राॅइंग रूम प्लस डाइनिंग का एरिया। तो व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर से शेयर कर दूं, आज की इस न्यू वीडियो में आपको विज़िट करवा रहा हूं 10 मरला के इस लग्जरी घर का, जो कि इस टाइम मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर आप सबसे पहले बात करते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग है। घर की लोकेशन बिल्कुल मेन रोड से एक स्ट्रीट टर्न करके इस घर की लोकेशन है। और इसके अलावा प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है, सीलिंग हाइट भी काफ़ी अच्छी है, इसकी इंटीरियर की डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है।
तो अगर आपको आज की वीडियो और ये जो घर है आपको पसंद आना चाहिए, पसंद आ जाए तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक लाजमी प्रोवाइड करना है। तो ये है जी इसका मेन लिविंग एरिया था हमारे पास। सामने ये डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम है, इसकी एक्सेस कार पोर्च से भी है लेफ्ट साइड से, और सामने हमारे पास लाउंज से भी है। तो सीलिंग वर्क आप चेक कर सकते हैं, वुडन वर्क भी किया गया। उसके अलावा सीलिंग के मॉड्स डिफरेंट यूज़ किए गए हैं, जिस पैटर्न की हमारे पास टाइल है उसी पैटर्न की स्कॉटिंग भी लगाई गई है। यहाँ पे भी विंडो, और यहाँ पे हमारे पास फैंसी वुड के साथ फैंसी मिरर, हमारे पास यहाँ स्लाइडिंग डोर है जिसको आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। इसको रिमूव करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपकी जो स्पेस है वो काफ़ी एक ज़्यादा स्पेशियस हो जाएगी। तो जो बिल्कुल फ्रंट की वॉल है यहाँ पे, इस पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त सीलिंग के जो मॉड्स हैं वही आ रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। पेंट भी यहाँ पे डिफरेंट है, और फर्दर ये मीडिया वॉल है, और यहाँ से ऊपर हमारे पास OTS दिया गया है, काफ़ी एक ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। तो अब बेडरूम्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आप हाइट चेक कर लें डोर्स की, काफ़ी ज़बरदस्त रखी गई है। फ्लोरिंग पे जो टाइल्स हैं बेडरूम्स में वो बिल्कुल डिसेंट हैं, लाउंज की तरह हैं। यहाँ पर हमारे पास बेडरूम फर्स्ट स्टार्ट होता है। सामने की वॉल पर आप दो वार्म लाइट्स चेक कर सकते हैं मॉड्स के साथ। लेफ़्ट साइड पे वेंटिलेशन विंडो है, उस पर सेफ्टी ग्रिल्स भी इंस्टॉल्ड हैं। फर्दर हम थोड़ा सा लेफ़्ट टर्न करते हैं तो यहाँ पे 4 डोर डबल पैच में काफ़ी खूबसूरत कलर में हमारे पास इसकी वार्डरोब्स अवेलेबल हैं। सीलिंग भी इसका आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन किया गया है, और जो इस घर के वॉशरूम्स हैं व्यूअर्स, वॉशरूम्स जो हैं वो काफ़ी लग्जरी किस्म के डिज़ाइन किए गए हैं। तो टाइल्स आप चेक कर सकते हैं, बड़े साइज़ की शाइनिंग टाइल्स हैं, प्रॉपर सीलिंग तक टाइल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी जो टाइल है आप चेक कर सकते हैं काफ़ी हाइट तक है। वॉल हैंगिंग वैनिटी का यूज़ किया गया, प्लस फैंसी मिरर का यूज़ किया गया। तो ये था बेडरूम फर्स्ट। वॉशरूम के एंगल से आप बेडरूम फर्स्ट को चेक कर लें। वापस से आप चलते हैं इसके लाउंज की तरफ। बेडरूम फर्स्ट के एंगल से आप इसका लाउंज का प्रॉपर एक व्यू कर लें। यह है जी इसका लाउंज। राइट साइड हम फर्दर टर्न करते हैं तो यहाँ पर बेडरूम सेकेंड है, और यहाँ पे भी वेंटिलेशन विंडो अवेलेबल है। प्लस यहाँ इस रूम का जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग बनाया गया है। सीलिंग वर्क प्लस काइंड ऑफ मीडिया वॉल या डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी वुडन वर्क की डिज़ाइनिंग की गई है। तो इस रूम में भी जो हमारे पास फ्लोरिंग है वो टाइल की है, और सेम पैटर्न का टाइल आपको पूरे घर में फ्लोरिंग पर ट्रैवल करता हुआ मिलेगा। फर्दर यहाँ पर हमारे पास इसका ज़बरदस्त वॉशरूम है। इस वॉशरूम में आप छत की हाइट चेक कर लें सबसे पहले, और वॉशरूम की डिज़ाइनिंग चेक कर लें। शॉवर एरिया बिल्कुल सेपरेट है, और इसी वॉशरूम के अंदर यहाँ पे बिल्कुल सामने 4 डोर डबल पैच में इसकी भी कबर्ड्स डिज़ाइन की गई हैं। तो जो कमर्शियल एरिया इस घर से व्यूअर्स आपके लेस दैन 5 मिनट्स की वॉक ड्राइव पर अवेलेबल है। मस्जिद भी आपके पास लेस दैन 5 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो घर की जो लोकेशन है वो काफ़ी VIP है, काफ़ी ज़बरदस्त घर की लोकेशन है। और अगर आप वीडियो स्टार्ट से देखें तो आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी आइडिया हो चुका होगा, जो कि अप टू द मार्क है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से घर को डिज़ाइन किया गया। तो ये है घर का किचन ग्राउंड पोर्शन का। इसकी एक्सेस जो है वो आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास साइड स्ट्रीट से भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं काफ़ी हाइटेड डोर है, प्लस अपर कैबिनेट्स जो हैं वो डिफरेंट है, लोअर डिफरेंट है। हुड बर्नर भी इंस्टॉल्ड है। फर्दर यहाँ पे ओवन, बेकर और फ्रिज वगैरह की स्पेस भी अवेलेबल है। सिटिंग के लिए यहाँ पे 2 चेयर्स भी दी गई हैं, मार्बल का शेल्फ है। तो यहाँ से आप सामने की सारी स्पेस का एक दफ़ा फिर से लुक चेक कर लें। तो ग्राउंड पोर्शन का व्यूअर्स हम विज़िट कम्प्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ग्राउंड पोर्शन इसका पसंद आया होगा। और अब मूव करते हैं वापस से इसके अपर पोर्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसका पाउडर रूम। यहाँ पे भी कमोड का यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी थोड़ी आई गेस डिज़ाइनिंग वगैरह होनी है। तो सबसे पहले आप इसकी ऊपर की डिज़ाइनिंग चेक कर लें, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग की गई है। तो चलते हैं ऊपर, और व्यूअर्स आपके साथ घर की आस्किंग प्राइस शेयर करता हूँ। घर की जो आस्किंग की जा रही है ऑनर की तरफ से वो है 4,65,00,000। 4,65,00,000 घर की आस्किंग की जा रही है, जो कि ऑनर की तरफ से है, और जिसमें मज़ीद नेगोशिएशन का जो मार्जिन है वो अवेलेबल है। तो
आप सब देखने वालों में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है और वो इसका ऑन ग्राउंड विज़िट करना चाहता है या इसको ख़रीदना चाहता है, आपकी स्क्रीन्स पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है और सेम नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस घर का ऑन ग्राउंड विज़िट भी करवा दिया जाएगा, फर्दर इस घर के जो ऑनर हैं उनके साथ आपकी विद डॉक्यूमेंट्स फ़ेस टू फेस मीटिंग भी करवा दी जाएगी। तो अब हम आ चुके हैं इसके अपर पोर्शन में, यहाँ पे भी आप सामने चेक कर सकते हैं, काफ़ी एक प्यारा लुक आ रहा है। ऊपर इसका सीलिंग वर्क काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, जो मार्बल का यूज़ है वो प्रॉपर ये मैं आपको दिखा दूँ, प्रॉपर हाइट तक किया गया, जो ऊपर OTS दिया गया है। और राइट साइड पे हमारे पास अगेन दो बेडरूम्स हैं वॉशरूम्स के साथ, थर्ड बेडरूम हमारे पास सेपरेट है, वहाँ पे किचन भी है, प्रेयर रूम, स्टडी रूम, जो भी आप कह सकते हैं वो भी अवेलेबल है। तो ये है जी हमारे पास अपर पोर्शन का बेडरूम फर्स्ट। राइट साइड की खूबसूरत आप वॉल चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग के साथ अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर भी वेंटिलेशन विंडोज़ अवेलेबल हैं और वेंटिलेशन विंडोज़ पे यहाँ पे भी सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। डोर के बैक साइड पे काफ़ी खूबसूरत कलर में अगेन इसकी वार्डरोब्स कबर्ड्स, यहाँ पे है जी हमारे पास इसका खूबसूरत वॉशरूम। टाइल्स का आप कलर कम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे भी शॉवर एरिया को सेपरेट किया गया, इसका जो थीम है वो ही टोटली डिफरेंट है। तो ये है वॉशरूम नंबर फर्स्ट। वॉशरूम्स मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताए थे कि इस घर के जो वॉशरूम्स हैं वो काफ़ी लग्जरी डिज़ाइन के वॉशरूम्स डिज़ाइन किए गए हैं। घर ही ओवरऑल जो है वो काफ़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। तो अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ का मैप व्यूअर्स पसंद आता है, आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में आपने अपना फीडबैक लाजमी प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग टू वीडियो, रिगार्डिंग टू कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, रिगार्डिंग टू मैप XYZ, आपने अपना फीडबैक लाजमी प्रोवाइड करना है। ये है बेडरूम नंबर सेकंड। यहाँ पे भी वेंटिलेशन विंडो राइट साइड पे अवेलेबल है। उसके अलावा सीलिंग वर्क यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग है। फ्लोरिंग पे तो हमारे पास बेडरूम्स में लाउंज में टाइल्स जो हैं वो सेम पैटर्न की है। अगेन यहाँ वॉशरूम में आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे भी शॉवर एरिया बिल्कुल सेपरेट है। फर्दर यहाँ पे बैक साइड पे डोर के बिल्कुल बैक साइड पे इसका मिरर एरिया अवेलेबल है। तो ये था बेडरूम नंबर सेकंड। और व्यूअर्स, इस घर के छत पे सर्वेंट रूम है वॉशरूम के साथ और उसके अलावा छत पे काफ़ी ज़बरदस्त बारबेक्यू का सेटअप भी किया गया है और ये जो OTS दिया गया इसका एक काफ़ी अच्छा ऊपर से एक लुक आता है। तो छत का जो विज़िट है वो आपको इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड करवाया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मिनी साइज़ में इसका सेकंड किचन आप कह सकते हैं वो अवेलेबल है। उसके अलावा छत की एक्सेस हमारे पास यहाँ सामने से है और इसको आप स्टडी रूम, जिम, स्टोर रूम या तो फिर आप इसको एज आ लाइक प्रेयर रूम भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ से टेरेस की एक्सेस है और फर्स्ट पोर्शन का जो मेन स्विच बोर्ड है वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी विंडो अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास बेडरूम थर्ड रह गया है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये आ गया जी बेडरूम नंबर थर्ड। तो इसकी डिज़ाइनिंग भी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग किस्म की गई है और वार्म लाइट्स हैं वॉल्स पे। इसका जो वॉशरूम है वो डबल हाइटेड है। तो पूरे घर में आपने व्यूअर्स नोटिस कर लिया होगा, जो सीलिंग हाइट है, रूम की हाइट है, वॉशरूम्स की हाइट, टाइल्स का कम्बिनेशन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, लाइक आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे आप इसके वॉशरूम को चेक करें, डबल हाइटेड इसका वॉशरूम डिज़ाइन किया गया है। अगेन आई गेस जो कनाल के घर होते हैं उनमें भी ऐसे वॉशरूम्स डिज़ाइन नहीं किए गए होते मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये 10 मरला का डिज़ाइनर हाउस है और इसकी आपने फिनिशिंग, डिज़ाइनिंग, मटेरियल वाइज चेक कर लिया होगा। तो व्यूअर्स, विज़िट हमने कंप्लीट कर लिया, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं, अब इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सर की वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।